हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। तो आज की हमारी रीडिंग ये है कि आपके पर्सन करेंटली अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या वो कोई नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। वो थर्ड पार्टी में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है अगर, तो वो भी हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो हमारे पास आज ये दो ऑप्शंस है, ये दो पेंडेंट है। फर्स्ट है ये क्लियर क्वार्ट्ज पेंडेंट, ठीक है, और सेकंड है ये रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट। तो इन दोनों में से जो भी आपको पसंद आ रहा हो या जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जूम इन कर देती हूँ। तो ये है दो ऑप्शंस। तो इनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू। आपको याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, तो आप जब भी देखेंगे आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस होगा और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को रेजोनेट करेगा अगर आप अपनी पाइल सही तरीके से चूज़ करें। अगर आप गलत पाइल चूज़ करेंगे तो हो सकता है रीडिंग आपको रेजोनेट ना करे, पर मोस्टली जो है काफ़ी लोगों को ये रेजोनेट करेगा। तो अपनी पाइल सही तरीके से आप सिलेक्ट करिए, और अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आप दोनों रीडिंग देखिए, जिसमें भी आपका सिचुएशन मैच हो रहा है वो आपकी रीडिंग है, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। शुरू करेंगे ग्रुप वन से, देन ग्रुप टू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप वन चूज़ किया था, ये क्लियर क्वार्ट्ज पेंडेंट। तो देखते हैं कि आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन लोगों ने ग्रुप वन चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, अभी करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप वन जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ डायमंड, जैक ऑफ हार्ट, फोर ऑफ हार्ट, एट ऑफ स्पेड और सिक्स ऑफ क्लब। तो यहाँ सारी ही एनर्जीज है, सारे एलिमेंट्स है, एयर, वाटर, फायर और अर्थ। तो सारी राशियाँ हैं यहाँ पे। कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ और वृषभ, कन्या, मकर। मींस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस और एरीज, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइंस हैं यहाँ पे। तो आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? तो आपके पर्सन अभी करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? तो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए कि आपने हो सकता है इस पर्सन को ब्लॉक किया हो, ठीक है, या फिर आप इनसे अभी बात नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सन अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और साथ में आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन कोई ऐसे हो सकते हैं, ये इंसान कोई ऐसा हो सकता है जो कि काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन है, और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि इनका भी ध्यान, इनका भी फोकस आपके साथ जो पास्ट में सारी बातें हुई थी उन पर है, और साथ में काफ़ी सेक्सुअली भी यहाँ अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, आपसे काफ़ी पैशनेटली अट्रैक्टेड हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को, काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि वर्क प्लेस में आप मिले हो, या फिर ये पर्सन आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हो, और काफ़ी ये अट्रैक्टिव पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं। और ये पर्सन बहुत डेस्परेटली आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिक्स ऑफ क्लब्स आया है जो कि एक कम्युनिकेशन का कार्ड है।
तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके साथ जितने भी मोमेंट्स थे उन्हें याद कर रहे हैं, और साथ में उनके हार्ट में जो आपके लिए जो फीलिंग्स है वो कम नहीं होती है, वो स्टेबल रहती है। पर ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी मजबूर है, उसी हालात में है जहाँ पर वो बहुत मजबूरी फील कर रहे हैं आपसे, उनका अट्रैक्शन पर यहाँ स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ फील हो रहा है। और भी देखते हैं हम टैरो कार्ड से कि टैरो कार्ड से क्या आता है। टैरो तो जिन्होंने ग्रुप वन चूज किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड हमें आया है एम्प्रेस। तो आपको पता है एम्प्रेस ये रीडिंग में तभी आता है जब आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके साथ, और साथ में आपको बहुत ब्यूटीफुल सोचते हैं। आपके लिए ये पर्सन ओवर प्रोटेक्टिव भी हैं, ठीक है, और काफ़ी ये आपसे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं अभी इस मोमेंट में, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स आया है उसके बाद। तो नाइन ऑफ कप्स के बाद हम देखते हैं, नाइन ऑफ कप्स जो है कार्ड है विश फुलफिलमेंट का। ऐसा लग रहा है इस पर्सन की कुछ विशेस थी जो ऐसा लग रहा है फुलफिल्ड नहीं हो पाई। हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया या आप इनसे बात करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत बेचैन से फील कर रहे हैं। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, दो कार्ड आ गया है, हेरोफेंट और डेथ, एंड ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। काफी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ डिस्टेंस बन गया है। और साथ में जो है इस पर्सन के पर हार्ट में ये श्योर है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशंस है। ये कुछ शायद इन्होंने आपको कोई लव ऑफर किया हो, या फिर आपने इनको ठुकरा दिया हो, या फिर वाइस वर्सा भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप में मुझे यहाँ दिख रहा है कि अभी काफ़ी चेंजेस आ गया है, आप काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए हो। तो इस पर्सन के ऐसा लग रहा है कुछ विशेस हैं, कुछ इच्छाएं हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं आपको जो वो नहीं बोल पा रहे, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर बेचैनी सी फील हो रही है। तो उन्हें पहले उन्होंने जो भी आपके साथ किया एग्रेशन या फिर जो भी आपके बीच में हुआ, तो उस चीज़ के लिए भी आपके पर्सन बहुत यहाँ अफसोस फील कर रहे हैं। पर उनके हार्ट में जो है एस ऑफ कप्स है आपके लिए। एस ऑफ कप्स मीन्स है कि ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशंस। आपके साथ बहुत अच्छे जो समय बिताया, आपके साथ जो खुशी वाले टाइम बिताया उन्हें बहुत याद कर रहे हैं, बहुत पास्ट में है अभी आपके पर्सन। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं। क्या, तो आपके पर्सन अभी आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि उनमें अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं और वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ सारी सिचुएशन ठीक करना चाहते हैं। पहले वो बहुत इंडिसिसिव थे, अब वो डिसीशन उनमें लेने की जो है वो कैपेबल हो गए हैं अब डिसीशन लेने में। तो ये भी दिखा रहा है कि काफ़ी उनके अंदर अब चेंजेस आ गए हैं। वो पहले ज़्यादा ऐसे थे जैसे ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं सारे, जो आप लोग के बीच में हो सकता है रिलीजन का प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है अलग अलग कास्ट के हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने पहले हो सकता है आपका ऑफर ठुकराया हो। पर अब ये पर्सन जो है ऐसा लग रहा है मुझे पछता रहे हैं कि उन्होंने बहुत, एक ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे उनके हाथ से बहुत एक हीरा मिस हो गया है, या फिर एक प्रिशियस सा कोई प्रिशियस उनके रिलेशन जो है वो मिस हो गया है। तो आपको इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स,
उनकी वो चाह रहे हैं कि आपसे तुरंत उनकी बात हो, और वो बिल्कुल ईगर है, बिल्कुल वो बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके पास आने के लिए। हो सकता है आपको वो कोई न्यूज़ देना चाह रहे हो, कुछ उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से बहुत खुश हो, तो ऐसे भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। टेन ऑफ कप्स, तो हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोजल देना चाहते हो, या फिर इन्होंने जो भी गलती की है वो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हो, और आपको ये बताना चाहते हो कि उनके अंदर अब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, वो आपके पास दोबारा आना चाहते हैं, वो आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए एम्प्रेस हो, उनके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आप हो, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं। तो आपके लिए जैसे ये पर्सन पैशनेट फील करते हैं, जैसे उनके अंदर जो आपके लिए अट्रैक्शन है वो पहले वैसा किसी और के लिए कभी भी नहीं फील करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर अगर मैरिड नहीं है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों का जो अफेयर है वो हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी को बताया नहीं हो, या फिर आप दोनों का छुप छुप के ऐसे रिलेशनशिप हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे मून कार्ड भी आया है। देखते हैं कि आप अभी क्या फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। ठीक है, ये जो फाइव ऑफ कप्स आया है, हमें ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, बहुत उदास थे, क्योंकि इस पर्सन ने तब आपकी वैल्यू नहीं समझी, पर अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने लाइफ को अब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप ले जा रहे हो विद द सिक्स ऑफ वैंड्स। हो सकता है आपको करियर वाइज, आपको अच्छा करियर वाइज आप ठीक चल रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। और देखते हैं और आप क्या फील कर रहे हो। ठीक है, आप भले ही शो नहीं करते हो पर आप भी इस पर्सन को उतना ही चाहते हो जितना कि ये पर्सन आपको चाहते हैं। थ्री ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली आप भी यहाँ पर इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद से आए, इन्होंने पास्ट में जो आपको जो भी तकलीफें पहुँचाई है, आपको उदास किया है, तो आप चाह रहे हो कि ये पर्सन खुद से आके आपसे सॉरी बोले, या फिर आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो। और इस पर्सन के भी मुझे ऐसा लग रहा है थॉट्स में यही है कि वो आपसे दोबारा ठीक करना चाहते हैं सब कुछ। ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स आया है, ये बता रहा है कि अब आप जो हो इस फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, आप पहले बहुत ज़्यादा इस तरह के डिसअपॉइंटमेंट में थे, पर धीरे धीरे आप खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ लाए हो, और अब आप काफ़ी जो है इन सारी चीज़ों से अभी डिस्टेंस आप कर लिए थे, इस पर्सन से हो सकता है आप डिस्टेंस कर लिए थे, और अब पर फिर भी आपके हार्ट में ये वाली चीज़ है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास आए। और देखते हैं और आप क्या फील करते हैं, और एक कार्ड लेते हैं। ठीक है, फाइव ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि विद द फाइव ऑफ सोर्ड्स कि पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है, हो सकता है आपका इंसल्ट किया हो, या आपने बातों से कुछ ऐसा बोला हो जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो, और आपने ही इस रिलेशनशिप से ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करने के बारे में सोचा हो, और फिर भी मन ही मन आप चाहते हैं कि इस पर्सन से कम्युनिकेशन हो, आपके हार्ट में ये पर्सन है, चाहे ये कुछ भी करे ये पर्सन आपके हार्ट में हमेशा रहते हैं। पर इस बार आपने ये जो है सेवन ऑफ वैंड्स, इस बार आपने ये फैसला कर लिया है कि आप अब नहीं सहोगे, आप अपने लाइफ में खुद के लिए आप स्टैंड लोगे, और किसी की भी मतलब बकवास नहीं सुनोगे, आप
कोई भी आपको हर्ट कर दे, आप ये वाली चीज अब नहीं सहन करोगे। विद द सेवन ऑफ वंड्स मुझे ये भी यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और साथ में यहाँ जो एंड ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स, ये भी बता रहा है कि अब आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको पता है कि आपको अपने लाइफ में कहाँ फोकस करना चाहिए। तो अब आपके अंदर वो सेल्फ रेस्पेक्ट आ गया है, आप सारी चीज़ों को अब अच्छी तरीके से डील करते हो। और आपके लाइफ में अब मुझे यहाँ दिख रहा है पॉजिटिव सब कुछ जाते हुए, और आपके पर्सन के भी फीलिंग्स अब आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। और पहले भी ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव ही थे वो, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, आपसे बात करना चाहते थे, आपके लिए उनके हार्ट में फीलिंग स्टेबल थी। पर हो सकता है इस पर्सन ने जाने अनजाने में आपको हर्ट किया हो, जो इन्हें भी नहीं पता चला हो। हो सकता है अपने बातों से हर्ट किया हो, ये कुछ और बोलना चाहते थे पर कुछ और हो गया। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई हो, और जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, या वाइस वर्सा हो सकता है। पर अब जो भी डिसअपॉइंटमेंट था वो अब यहाँ मुझे ठीक होते हुए दिख रहा है। और आप लोग के बीच में अब आप चाहते हो, आपके अंदर क्योंकि काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया है, तो आप चाहते हो ये पर्सन खुद से आके करे, आप इनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहते। क्योंकि अब इस पर्सन के भी जैसे मुझे फीलिंग्स लग रहे हैं कि इनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, और इनको भी ये दिख रहा है कि आपके अंदर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, आपके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, और जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। जो पहले आपके पर्सन कमिटमेंट हो सकता है नहीं दे रहे थे, तो अब वो उनके हार्ट में भी वो सारी चेंजेस आ रही है। तो हम और देखते हैं रोमांस एंजल में क्या आता है। इन्होंने ग्रुप वन चूज किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके और क्या फीलिंग्स हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव और ट्रस्ट। एक्सप्रेस योर लव। तो आपके पर्सन जो है वो दिख रहा है मुझे कि अब ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको अभी एंजल्स का भी ये मैसेज मुझे दिख रहा है कि ट्रस्ट आपको इस सिचुएशन में अभी ट्रस्ट रखना चाहिए। और साथ में आप लोग के बीच में ट्रस्ट इश्यू है। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ज़्यादा मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि धोखा दिया है, पर कुछ आपको हर्ट किया है ऐसा दिख रहा है मुझे। तो अब ये पर्सन आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, पर उसमें जो है दिख रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल फॉर्म। तो आपके पर्सन अब आपका मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि दिल तोड़ेंगे, पहले उन्होंने जो किया वो अनजाने में ही हुआ होगा, तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे। अब ये पर्सन आपके फीलिंग्स का ध्यान रखेंगे, और आपको इस सिचुएशन में अभी ट्रस्ट की ज़रूरत है। हो सकता है यही पर्सन आपको आगे आके अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस करे। क्योंकि हमें एंड ऑफ द डेक यहाँ पर आया है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपके गॉड ने सुन लिया है। ये देखिए यहाँ, ये जैसे ये जो लेडी है ये प्रे कर रही है ऑल्टर के सामने, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपने बहुत इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत प्रे किया है। तो इसलिए अब आप दोनों के बीच में हो सकता है रिकन्सिलेशन हो इन फ्यूचर, क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है वो बिल्कुल ही सच्चा है। आप दोनों के एक दूसरे के लिए प्यार है वो सच्चा है। हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हो। तो ये सबसे बेस्ट कार्ड है ट्रू लव। तो आप दोनों का प्यार बिल्कुल सच्चा है, ये पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इनफैक्ट बहुत प्यार करते हैं। जो भी हुआ है उसके लिए ये पर्सन सॉरी भी फील करते हैं। साथ में हम कुछ लेटर्स और नंबर्स लेते हैं, जिन्होंने ग्रुप वन चूज किया है उनके लिए। तो मैं थोड़ा हटा लेती हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। तो पहला वर्ड जो हमें आया है वो है एस, दोबारा आया है एस, एफ आर बी एच क्यू
एक्स वाई के और एफ, साथ में जो नंबर्स है वो है 5, 0, 3, 6, 5, 1, 5, 4 और 4. तो इस नंबर से हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, जैसे 15, 14, 16, 3, 6, 5, 10, 4, ठीक है. और इससे जो वर्ड्स हैं उससे नाम का फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या निकनेम का फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर भी यहाँ हो सकता है. तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप वन चूज़ किया था. अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने व्यूज़. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू. तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप टू चूज़ किया है, ये रोज़ क्वार्ट्स पेंडेंट. तो देखते हैं कि आपके पर्सन अभी करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. जिन्होंने ग्रुप टू चूज़ किया है रोज क्वार्ट्स, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं. पहला कार्ड आया है थ्री ऑफ स्पेड, थ्री ऑफ डायमंड, जैक ऑफ क्लब्स, थ्री ऑफ क्लब्स, एस ऑफ क्लब्स और सिक्स ऑफ क्लब्स. तो यहां पर जो एनर्जीज है वो है एरीज, लियो और सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर और साथ में है जेमिनी, लिब्रा और एक्यूरस, मिथुन, तुला और कुंभ. तो ये राशियां हैं यहाँ पर हमें, ये सारी हैं एलिमेंट्स आए हैं. तो आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे. आप लोग के बीच में ऐसा दिख रहा है कि, तो ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि ये जो पर्सन है आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है. आप दोनों का रिलेशनशिप ऑन ऑफ भी चल रहा है और साथ में ये कमिटमेंट इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि ये किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना चाहते. कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है. तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं और इसलिए साथ में ये इस जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाह रहे हैं. ये सिर्फ आपके ऐसा लग रहा है कि ये खुद को इतने अभी उतना कैपेबल नहीं सोचते या फिर ये पर्सन कुछ एफर्ट अभी नहीं करना चाह रहे हैं. तो ये पर्सन जैसे आप देख सकते हैं जैक ऑफ क्लब्स राइट की तरफ देख रहे हैं, मीन्स ये फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं. ये अपने अभी काम में भी ज़्यादा फोकस्ड लग रहे हैं. इनका जो भी वर्क है इनको लगता है कि ये वर्क में भी इनकी स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से भी कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट कर सकता है कि वर्क में स्टेबिलिटी ना होने की वजह से ये पर्सन अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं. और साथ में कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है. थर्ड पार्टी हो सकता है कि इनका काम हो, ठीक है. यहाँ काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका काम हो या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है और इसलिए ये पर्सन आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं. अभी रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ टाइप की भी सिचुएशन चल रही है. और देखते हैं और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं. तो जिन्होंने ग्रुप टू चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो और क्या फील कर रहे हैं. एम्प्रेस, फाइव ऑफ सोर्ड्स,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और सेवन ऑफ वैंड्स। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी ये मैरिड हो, और जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, या फिर इन्होंने, हो सकता है कि अभी इस सिचुएशन में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप का जो आपके साथ है उसमें वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं। शायद उन्होंने डायरेक्टली आपको मना कर दिया हो किसी बात के लिए, या फिर मना कर दिया हो इस रिलेशनशिप के लिए। ये भी मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है। हम और कार्ड्स निकालते हैं तो उसमें और क्लियर होगा कि आपके पर्सन अभी करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स और नाइट ऑफ वैंड्स। तो जैसे हमें यहाँ लवर्स आया है, तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि इनके हार्ट में आपके लिए इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं। आपको पसंद ज़रूर करते हैं ये पर्सन, पर ऐसा दिख रहा है कि इनके लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है, पर आपके लिए इनके मन में जो है अट्रैक्शन बहुत है। आपको ये बहुत इंडिपेंडेंट, खूबसूरत, ऐसे टाइप का पर्सन समझते हैं, और इसलिए अभी इनका जो फोकस है वो ऐसा लग रहा है कि दूसरे चीज़ों में है। हो सकता है अपने काम में हो, अपने फैमिली में हो, या अभी इनका फोकस जो है वो दूसरी तरफ दिख रहा है मुझे। और देखते हैं और भी कार्ड्स। ठीक है, तो टावर आया है, तो कुछ आपको सडनली, हो सकता है इस पर्सन के बारे में पता चला हो, या फिर सडनली आप दोनों का, अचानक से आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हो गया हो, जो आपने सोचा नहीं था वैसा हो गया हो। अचानक से ये पर्सन इस रिलेशनशिप से मूव आउट हो गए होंगे, जिसकी वजह से आप अभी बहुत पेशेंटली इस पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, पर इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं लेट डाउन किया है। इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया है, ये भी यहाँ इन कार्ड्स में दिख रहा है। और देखते हैं ग्रुप टू, जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो और क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, और टेन ऑफ सोर्ड्स। तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, ठीक है, या वो खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ में है आपके साथ जो रिलेशनशिप एंड करके वो खुद ज़्यादा तकलीफ में है, क्योंकि हो सकता है इस अचानक से कुछ उनको पता चला हो, या फिर आपको पता चला हो, या इनके फैमिली में आपके बारे में कुछ पता चला हो, आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो जिसकी वजह से इस पर्सन को हो सकता है रिलेशनशिप एंड करना पड़ा हो। और बहुत ये पर्सन उदास लग रहे हैं, क्योंकि ये इस सिचुएशन में अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये आपके साथ जो है रिलेशनशिप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं। और साथ में यहाँ आपके लिए इनके हार्ट में फीलिंग ज़रूर है, क्योंकि हमें आया है लवर्स, एम्प्रेस और ये सारे कार्ड्स आए हैं। ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे मैरिज ज़रूर करना चाहते थे, पर अभी ऐसे लग रहा है कि ये बहुत डिफेंसिव मोड में है। अभी ये किसी डिसीजन लेने के मोड में नहीं है, क्योंकि इनको अभी लग रहा है अभी ये कोई भी डिसीजन लेंगे वो गलत हो सकता है। और देखते हैं, तो इनके हार्ट में आपके लिए ज़रूर है ये कि आपको वो प्यार दे, पेज ऑफ कप्स, वो आपको प्यार भरा जो है आपको मैसेज करें। उनके हार्ट में ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए, पर बहुत वो अभी उदास फील कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और देखते हैं आपके फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए, जिन्होंने ग्रुप टू चूज किया है, वो क्या फील कर रहे हैं।
किंग ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप अभी इस पर्सन के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, आप इनसे अभी बात नहीं कर रहे हो क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं इस रिलेशनशिप की तरफ, तो आप इनसे हो सकता है काफी नाराज हो, आप बात नहीं कर रहे हो। आपके हार्ट में इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा प्यार है पर आप अभी इनसे नाराज भी हो, ये भी दिख रहा है मुझे, या वाइस वर्सा हो सकता है। किंग ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ कप्स, आप चाहते हो कि ये पर्सन में इतनी ये पर्सन खुद से आके आपको प्रपोज करे, या फिर जो भी है मैरिज के लिए प्रपोजल दे, या आगे ये खुद आके आपको, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि ये पर्सन खुद से आगे बढ़ के, अगर इनका प्यार बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, ये खुद से आगे बढ़े और ये आपको खुद प्रपोजल दे, ये भी ऐसे इन कार्ड्स में दिख रहा है। और साथ में यहाँ आप इस पर्सन के लिए काफी वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, अभी जो आप लोगों के जो डिस्टेंस हो गया है वो ठीक हो जाए। किंग ऑफ कप्स, तो आपके हार्ट में इस पर्सन के लिए इमोशंस बहुत है, स्ट्रांगली इमोशंस है, हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बन गया हो और इसलिए आपके पर्सन अभी आपके पास आ नहीं पा रहे हो, पर आप चाहते हो कि ये पर्सन इन सारी चीजों से बाहर निकले और वो कुछ एक्शन ले, क्योंकि आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो, आप चाहते हो ये पर्सन सडनली कोई एक्शन ले, ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपके पर्सन अभी किसी दूसरे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में हो, ऑलरेडी मैरिड हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, हो सकता है आपसे बात करना भी इन्होंने बंद कर दिया हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में बातें भी नहीं हो रही है, हो सकता है आप मैसेज किए हो तो वो भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि ये अभी अपने दूसरे जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। हो सकता है ये ऑलरेडी पर्सन मैरिड हो और जिसकी वजह से अभी ये आपके प्रपोजल को भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, अभी आपके प्रपोजल ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप अंदर से बहुत टूटा हुआ सा फील कर रहे हो, पर अभी आपके लिए जो मैसेज है वो भी हम देखेंगे कि एंजल्स के लिए, एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। पर सबसे पहले हम रोमांस एंजल से और देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन अभी आपके लिए फील कर रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपको ऐसा फील कराया है कि ये अनरिक्विटेड लव है, मीन्स ये वन साइडेड लव है, अभी आप ही ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं पता ये मुझे असली का भी प्यार करता था या नहीं, या ये वन साइडेड मेरी तरफ से ही था, पर आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों के बीच में सोलमेट का कनेक्शन है और एंजल्स भी आपको कहना चाहते हैं कि आप वेट करिए और ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपने लाइफ में, आप मैनिफेस्ट करते रहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, हो सकता है आप लोग एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हो, पास्ट लाइफ में आप लोग के बीच में कोई कनेक्शन रहा हो, तो ये पर्सन जब सही टाइम आएगा ये खुद ही कोई ना कोई एफर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये पर्सन काफ़ी दूसरे चीज़ों में स्टक्ट लग रहे हैं, दूसरे चीज़ों में फंसे हुए से लग रहे हैं जिसकी वजह से कोई एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो आप अपने जो सिचुएशन है, हो सकता है ये पर्सन अपने ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते होंगे और उनसे सलाह लेते होंगे कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए, ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है, या हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में अपने दोस्तों से भी पता करते हो। कीप एन ओपन माइंड, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और ये दो रिलेशनशिप को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं, तो जिसकी वजह से इस पर्सन ने अभी
पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो अभी ये पर्सन आपसे रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर इन्होंने अभी आपसे ब्लॉक करके रखा है, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये पर्सन जो है दूसरे चीज़ों में काफ़ी फंस गए हैं, या फिर ये अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपसे बात भी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे दिख रही है। और साथ में हम लेटर्स और वर्ड्स भी लेते हैं। यहाँ आपके पर्सन जो है आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, ये मुझे स्ट्रॉन्गली लग रहा है। ए एच एन आर एफ आर ई के ओ और आर, साथ में जो नंबर्स है वो है 6 1 9 8 7 और 5। तो ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, लास्ट लेटर हो सकता है, निकनेम भी हो सकता है, या सरनेम का फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर हो सकता है, या पूरा नाम भी इसमें आ सकता है। साथ में ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है, 6 हो सकता है, 1, या ऐसे मंथ भी, सितंबर, अगस्त, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, 5 7। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।